वैसे तो हम लोग जमीनी स्तर से देखा जाए तो लगभग 2000 फीट के ऊंचाई पर है, जो कि एकदम पहाड़ के जो बोला जाता है ना अंतिम छोर पे, उस पर मंदिर स्थित है कुंजापुरी। ऐसा लग रहा है कि हम बादल में आ चुके हैं, आसमान में। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका भाई शुभम और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्मार्ट स्टोर। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आया हूं ऋषिकेश उत्तराखंड में, और इस वक्त मैं जहां मौजूद यह है कुंजापुरी मंदिर, जो कि नरेंद्र नगर उत्तराखंड में पड़ता है। यहाँ पर आने के लिए कई पहाड़ों को पार करना पड़ता है और पहाड़ों को काट कर रास्ता बना दिया गया है यहाँ पे आने के लिए, और यहाँ आने में बहुत रिस्क भी है क्योंकि यहाँ जो सड़क के किनारे ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, पहाड़ हैं, वो बरसात के समय भूस्खलन कर जाते हैं या लैंडस्लाइड उसे बोलते हैं, वो हो जाती है जिससे रास्ता जाम हो जाता है। दोस्तों, ये कुंजापुरी मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा और आपको इस कुंजापुरी मंदिर के दर्शन भी कराऊंगा। इस कुंजापुरी मंदिर के बारे में ऐसा पुराणों के द्वारा माना जाता है कि जब भगवान शिव की पत्नी अपने पिता के द्वारा आयोजित यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, और उस मृत शरीर को जब भगवान शिव अपने कंधे पर लेकर कैलाश पर्वत की तरफ जा रहे थे, तो जी के मृत शरीर के ऊपर का कुंज था वो यही इसी स्थान पे गिर गया था, जिसे जगतगुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर की स्थापना करवाई। अभी हम लोग कुंजापुरी मंदिर की तरफ जा रहे हैं सीढ़ियों से, और चल के आपको अंदर का दृश्य दिखाते हैं, देखने में कैसा लगता है। मैं अभी कुंजापुरी मंदिर के एंट्री गेट पे खड़ा हूँ और मैं आपको मंदिर के अंदर ले चलता हूँ। ये मंदिर का गेट है और मंदिर के गेट से सीधा अंदर चलते हैं। हो गया, चढ़ा दो थोड़ा सा रहने दो ये पे।